गाइस, आज मैंने बुक करी है एक 500 रुपए पर डे वाली वैन और एक 50,000 रुपए पर डे वाली वैन। और मैं और मेरा दोस्त अगले 24 घंटे इन वैन्स में रहने वाले हैं। और देखना ये है कि हम दोनों में से किसकी वैन का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होता है और किसके हिस्से में कौन सी वैन आएगी, ये डिसाइड करेंगी ये पर्चियां। तो समझ के उठाऊंगा इस बार, जल्दीबाजी नहीं। अरे ये भगवान, मेरा सपना ना टूटे, मुझे कारवैन में रहना है एक दिन के लिए। अपने पैसों से ले नहीं सकता, आज हो जाए काम। कुछ कहना चाहोगी मैडम आप? चीपेस्ट वैन। देखो जैसा आदमी होता है वैसी चीजें मिलती हैं। जो आदमी चीप है उसे चीप ही मिलेगी, जो आदमी थोड़ा लग्जरी वाला है, एक्सपेंसिव, जिसके थॉट्स हैं, उसको भगवान देखता है कि इसको क्या मिलना चाहिए। अब तो नहीं बोल रहा कि मैं चीटिंग करती हूँ? अरे भाई, चीटिंग तो कभी इस चैनल को होती ही नहीं, कभी हुई नहीं। ये तो बिल्कुल जेन्युइन आता है हर बार रिजल्ट। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चैनल के बारे में। गाइस, अपने इस्तेमाल में आज ये वाली वैन, जो कि बाहर से देखने में तो काफी बड़ी लग रही है, इसमें एक बढ़िया सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये आज भैया हमारे चालक होने वाले हैं। तो भैया क्या मजा आता है इस वैन में? बिल्कुल मजा आता है। और ये है हमारे ड्राइवर अंकल, और ये भी मेरे साथ रहेगी 24 घंटे तक, है ना? हाँ जी। हाँ जी, ओके। तो इसमें क्या क्या एक बार दिखाते दो मुझे। कुछ नहीं है। तो भाई इसमें तो अंदर आते ही ये तो पूरा घर लग रहा है मुझे। ये गाड़ी कहाँ है? मिनिमम एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ये बर्थ सिस्टम सोने के लिए, अलमारी भी है कपड़े वपड़े रखने के लिए। किसी गर्लफ्रेंड वगैरह आए तो बस कपड़े वपड़े रख दो गर्लफ्रेंड के। फ्रिज है, छोटी सी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इसमें क्या करते हैं लोग? अभी कोई भी आप ग्रिल बना सकते हो, कुछ बना सकते हो। टीवी डबल बेड है, ऊपर किंग साइज बेड है। बाथरूम कोई वार्ड में अंदर ही है? बिल्कुल है जी। भाई मैं तो अभी तक ये चिंता में था, मैं क्या निशु को बोल तो दिया 24 घंटे रहूंगा, पर पिसाब विसाब कहाँ करूंगा। इसमें तो बाथरूम ही अंदर है भाई, सारी सुविधाएं हैं, गीजर भी लगा हुआ है, नहा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, क्या क्या वो सब दिखा दो। क्या बोलूंगा, खाली सीट है, एसी भी नहीं है। एसी भी नहीं है, गर्मी में ही रहना पड़ेगा मैम। आप कैसे रहते हो? हम तो रहते हैं, हमको आदत पड़ी हुई है। मुझे तो नहीं है ना आदत। आप क्यों पड़ जाएगी मैम, रह जाओगे। पहाड़ का व्यू देखना हो तो एक बढ़िया, ये खुलती है कैसे ना कैसे, ऐसे भी देख सकते हैं बाहर का व्यू। मत कर भाई, रहने दे, मत कर। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई? गाड़ी। गाड़ी खत्म कहाँ हो गई? कुछ भी नहीं है, सीट चार्ट तो है ही। आगे के फीचर तो बता दो कुछ। आगे क्या, मैं स्टूडियो है, ये खाली एसी के लिए पंखा है बस, ब्लोअर है। एसी के लिए पंखा लगा रखा है, एसी कहाँ है? एसी नहीं है। ये रेडियो चलता है? हाँ चलता है। तो गाइस ये हमारी टोटल वैन, इसमें ना एसी है ना पंखा है, बस मेरे पास एक ताऊ जी है और ताऊ जी का रेडियो है। आ जाओ चलते है। 12:30 बज रहे हैं अभी। मैंने भैया को बोला है कि यार कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ बढ़िया, कोई 2-4 लड़के आए अपने लिए खाना वाना लाए अंदर गाड़ी के, जिसके पास इतनी लग्जरी गाड़ी हो। तुम्हें लगता है बाहर किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाएगा, वो गाड़ी में चिल करेगा यार, यहाँ मस्त एसी में टीवी देखते हुए खाना खाएगा। आज ये कारा वैन वाले हमारे पीछे पीछे ये तो हमारे से पहले चले थे। भाई यहीं पे खाने के लिए मिली क्या तुम्हें जगह? धरती जुड़े लोग हैं, बेशक मैं अभी बिलियनर बन चुका हूँ, पर मुझे आज भी वही खाना पसंद है जो पहले था। देख लिया मैंने, किसी को कितना ही महंगा मिल जाए आता यहीं है। तुम्हारे पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो ठीक है? ए, चल चल भाई। ये साला फोन कर देते हैं छोटी मोटी वैन से, ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा लग्जरी में जी रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्या क्या है आपके पास? चूर चूर नान है, हाँ। पनीर है, हाँ। बटर नान है, मिक्स है, आलू। तो एक काम करो, चूर चूर नान की 2 प्लेट दे दो। लाइए भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई यहाँ पे अपना लग्जरी खाना आ चुका है, लग्जरी टीवी चल रहा है, लग्जरी मेरा दोस्त है, और कितना कंफर्टेबल, ऊपर एसी चल रहा है। प्यास लगी है, पहले पानी पी लेते हैं। ये लो डी का आपकी ठंडी एकदम चिल्ड भयंकर बोतल, और ये हमारी एक और चिल्ड भयंकर बोतल। ये यार लग्जरी के अपने मजे। तो गाइस हमारे चूर चूर नान यहाँ पे आ चुके हैं और मस्त हमने अपनी गाड़ी खोल दी है ताकि से हमारे को थोड़ी सी हवा मिल सके, सांस मिल सके। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार। जहाँ एक तरफ ये लोग मस्त एसी में बैठ के अपने खाने का मजा उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मेरी वैन में इतनी ज्यादा गर्मी थी
कि पसीने के साथ साथ मेरा पूरा मेकअप बह रहा था, स्पेशली मेरी लिपस्टिक। और यार मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मेरी लिपस्टिक बह जाती है। बट गाइज अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने अपने लिए मंगवा लिया है मामाअर्थ की वाटर प्रूफ फेदर लाइट लिक्विड मैट लिपस्टिक्स। ये लिपस्टिक्स ऑलमोस्ट एयर की जितनी लाइट वेट है एंड 16 आवर्स तक एकदम परफेक्टली लगी रहती है विदाउट एनी स्मच। इसका नॉन ड्राइंग फॉर्मूला इन्फ्यूज्ड है कोकोनट ऑयल एंड विटामिन ई जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट की गुडनेस से। कोकोनट ड्राइनेस को हटाकर लिप्स को सॉफ्ट बनाता है और विटामिन ई लिप्स को इंटेंसली मॉइस्चराइज रखता है। ये सेफ सर्टिफाइड एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, जिसकी वजह से ये डेली यूज के लिए एकदम सेफ है। एक लिपस्टिक सिर्फ 499 की है और ये 8 शेड्स में अवेलेबल है। न्यूड परफेक्ट, न्यूड पंच, न्यूड टी, न्यूड रोज, न्यूड ब्राउन, न्यूड वेलवेट पिंक ऑर्किड एंड रेड क्रैनबेरी। तो भाई अगर तुम्हें भी अपने लिए या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मंगवानी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ले लो और मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, तो 20% ऑफ मिल जाएगा। और हाँ, मामाअर्थ की सबसे बढ़िया बात, जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक टी लगाते हैं। और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन टी लगाना। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आप सभी ईकॉम लाइक नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कहीं भी दिखे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस टीवी देखते हुए फुल एसी में बैठ के भर के खाना खा लिया है और मुझे बिल्कुल भी जरा सी रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ। भाई अगर तुम्हें भी घूमना हो तो इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती। गाइस इसमें बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सहारे के लिए कुछ भी नहीं और कमर में इतनी जोर की पेन हो रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। दिन तो फिर भी मैं जैसे जैसे काट लूंगी, मुझे मेन डर है मेरी रात का। यार कितना मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। मतलब चलती गाड़ी में गाने तो बहुत बार सुने थे गाइस, पर भाई चलती गाड़ी में डांस करने का मजा ही अलग है। और भाई किस्मत भी क्या चीज है, कुछ लोगों के पास बैठने की जगह नहीं है। जहाँ एक तरफ ये लोग लग्जरी वैन मिलने का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमें पता चला कि अंकल जा रहे हैं और दूसरा ड्राइवर आ रहा है। अंकल आप क्यों जा रहे हो? मैम मेरे को पता ही नहीं था आप 24 घंटे ही में रहोगे, तो गर्मी बहुत है, मर जाएंगे। तो चीटिंग करता है तू। अभी तो आपने मेरे को बोला था थोड़ी देर पहले कि आप मेरे साथ रहोगे। मैं सोचा आप तो थोड़ी बहुत देर रहोगे, फिर अपने कमरे में जाओगे, फिर आ जाएंगे। पक्का जा रहे हो? मत जाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ पक्का। तुसी ना जाओ। नहीं 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 नहीं। भाई एक दिन वो था जब हम 300 वाले होटल में थे, पीने को पानी नहीं था। एक दिन आज है, जो चाहते हैं वो पाते हैं। कुछ लोगों को तो एसी भी नसीब नहीं हो रहा, कुछ लोग एसी में बैठ के ठंडा पी रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये लोग एसी में बैठ के ठंडा पी रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं थोड़े से आराम के लिए जुगाड़ लगा रही। तो सोचा कि यार गाड़ी रोक कर कहीं पे कमर सीधी कर लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। पर ये आइडिया भी मेरा फेल हो गया क्योंकि इतनी गर्मी है, इतनी ह्यूमिडिटी है। गाड़ी चल रही है तो थोड़ी बहुत हवा भी लग रही है, थोड़ा बहुत जो नेचर की हवा है वो तो फील हो रही है कम से कम। गाड़ी रोकने के बाद वो हवा भी नहीं लग रही, इतनी ज्यादा हालत खराब हो रही है। एक तो आज हम लग्जरी वैन में है, प्लस बारिश ने इस लग्जरी को 10 गुना बढ़ा दिया। और गाइस ये मजा मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो बिजू का, क्योंकि बिजू के पैसों से जा रहा ना मजा। गाइस वो लोग घूम रहे हैं लग्जरी वैन में, हमारे पास छोटी वैन थी पर कम से कम बैठने लायक थी, पर बारिश की वजह से वो भी खराब हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में बैठी हुई हूँ। उनके पास एक प्लस पॉइंट तो है कि उनकी खिड़कियाँ नहीं खुलती हैं, गेट बंद रहता है, पानी भी नहीं जाता होगा अंदर और किचकिच भी नहीं होता होगा। गाइस मैंने सोचा इतनी लग्जरी गाड़ी लेकर भी अगर दिल्ली के ट्रैफिक में घूमे तो क्या फायदा, इसलिए ये गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे। अभी लड़के ने किचन ओपन कर दिया है। अच्छा किचन भी है? चाय का मजा दिलाएंगे अब आपको। भाई साहब किचन भी ओपन हो गया है, भैया कह रहे हैं चाय भी पिलवाएंगे। मुझे लगा था यहाँ तो आसपास दुकान नहीं है, हम भूखे मरेंगे, तो भैया कह रहे हैं इसमें किचन है, चाय बन रही है। लग्जरी लोगों की लाइफ यही है। गाइज हम लोग ना सुबह से यही द्वारका में ही गोल 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 घूमे जा रहे हैं और अब मैं और आयुष बहुत गंदे वाला बोर हो चुके हैं। आयुष भी बोल रहा है कि दीदी अब कहीं भी घुमा लो पर द्वारका में नहीं। जहाँ एक तरफ दो लोग गर्मी में एक छोटी सी वैन में सड़ रहे हैं, वहाँ मैं और धीरज एक बढ़िया लग्जरी वैन में बैठ कर एक बढ़िया से नजारे का मजा ले रहे हैं।
इसी को शास्त्रों में लग्जरी कहा गया है। तो गाइज अब भी बज रहे शाम के 6:30 और हमने सुबह खाना खाया था और अब हमें लग रही है बहुत जोर की भूख, मुझे भी और इस पीछे बैठे आयुष को भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ड्राइव थ्रू पे कुछ अपने लिए खाने का लेने। भाई इस गाड़ी की मैंने एक चीज नोटिस करी कि लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू को भी इतना नहीं देखते जितना इसको देख रहे हैं। भाई जहाँ से गाड़ी ये निकल रही है ना हमारी, लोग खड़े हो जा रहे हैं, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लोग जा ही नहीं रहे, लोग देख रहे हैं अंदर क्या है भाई, ये क्या सिस्टम है इस गाड़ी का। भाई ओरा तो है भाई साहब, इस वैन का ओरा मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से भी ऊपर है। जहाँ एक तरफ लोगों की इनकी लग्जरी वैन से नजरें नहीं हट रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारी वैन देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही थी। हाँ अंकल आप दोबारा कैसे आ गए? अब मैम आ गया। कैसे? घर में कोई काम नहीं था फिर मन नहीं लगा, आ गया मैं गया। ध्यान से देखो इन अंकल को, ये कितना झूठ बोल रहे हैं। सुबह ये इसलिए चले गए क्योंकि इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और अब ये वापस इसलिए आए हैं क्योंकि बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो गया। मैंने बोला था मत जाओ तो भाग गए, अब आना पड़ा ना दोबारा। हाँ आना पड़ा, आ गया। तो गाइस जहाँ हमारी वैन की हालत देखकर हमारे खुद के ड्राइवर अंकल जिनकी ये वैन थी वो भी साथ नहीं निभा पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लग्जरी वैन होने की वजह से उनके तो दोस्त भी आ गए पार्टी करने। तो गाइस पार्टी वार्टी करके अपने दोस्त चले गए अपने अपने घर और अभी हमारे पास है अपना लग्जरी बेड और हमारे पास है कंबल, तो हम तो बढ़िया कपड़े अपने चेंज करके अपने लग्जरी बेड पे सो जाएंगे। बाकी उनका पता नहीं वो कैसे सोएंगे, पर हमें क्या लेना देना उनसे यार, अपने को लग्जरी बेड पे सोने से मतलब। अब हम मिलेंगे सुबह। यहाँ एक तरफ ये अपनी लग्जरी वैन में चैन की नींद सोने चले गए, वहीं दूसरी तरफ इन दो चीजों ने मेरा जीना हराम कर दिया। एक तो गर्मी और दूसरे ये मच्छर, ये दोनों मिलके मेरे इस चैलेंज को जितना ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं बना रहे हैं। और इस वैन में इन मच्छरों के बीच थोड़ी देर ही बैठने के बाद मुझे समझ आ गया कि अगर मुझे ये चैलेंज पूरा करना है तो मुझे पूरी रात जागना ही पड़ेगा। फाइनली हमने अपना 24 घंटा लिविंग इन लग्जरी वैन पूरा कर लिया है। कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे और माइंड में किसका एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद आया, और यार इतनी मेहनत करते सब्सक्राइब करो यार।